तो गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम टू दी व्लॉग। आज का वीडियो हम लोग का होने वाला है GTA 5 का, और आज हम लोगों ने गेम में GTA में फॉर्च्यूनर डाला है, फॉर्च्यूनर लेजेंडर। तो आज हम लोग वीडियो में देखेंगे कि फॉर्च्यूनर लेजेंडर कैसा है असल में। अभी जस्ट मैंने इंस्टॉल करा है तो मैंने देखा भी नहीं कि अभी वो कैसा है। तो अभी चलते हैं, गैरेज पर रखा हुआ है गाड़ी, वो हम लोग निकालते हैं और देखते हैं कि भाई कैसा है गाड़ी, और उसको चला के देखते हैं और उसका रिव्यू लेते हैं हम लोग। तो भाई यहाँ हम लोग का कैरेक्टर जो है फ्रैंकलिन वो आ चुका है और इसके गैरेज में रखा हुआ है गाड़ी। तो हम लोग चेक करते हैं कि गाड़ी भाई दिखने में कैसा है। तो भाई ये रहा फॉर्च्यूनर लेजेंडर, और अभी हम लोग इसको देखते हैं चला के। और आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि भाई GTA में मतलब मैंने डाला हुआ है ये स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो भी हम लोग अभी ड्राइव करेंगे, दोनों गाड़ी ड्राइव करेंगे। लेकिन भाई ये रहा लुक, तो भाई गजब है। और पता नहीं साइज़ का मेरे को लग रहा है कि शायद से ये साइज़ में थोड़ा सा छोटा है, मतलब फॉर्च्यूनर जितना बड़ा साइज़ का होना चाहिए शायद उतना नहीं है, अभी देखना पड़ेगा कंपेयर करके, ये मैं आइडिया लगा के बोल रहा हूँ। वैसे नहीं बड़ा तो है गाड़ी काफ़ी। हाँ भाई नहीं गाड़ी ठीक है। तो भाई अभी हम लोग गाड़ी को ड्राइव करते हैं और देखते हैं भाई कि कैसा है। असल में गाड़ी का लुक जो है वो मतलब रियलिटी में तो भाई बहुत मस्त है, और यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है, देख के ही मज़ा आ रहा है, और चलने में भी भाई बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग देखेंगे अच्छे से कि भाई गाड़ी कैसा है चलने में। तो भाई अभी हम लोग चलेंगे हाईवे रोड पे, और हाईवे में हम लोग चल के देखेंगे। तो भाई अभी हम लोग चलते हैं हाईवे पे, और हाईवे का रास्ता हम लोग को देखना पड़ेगा कि कहाँ से है। तो हाईवे का रास्ता पकड़ने के लिए हमको लगता है यही सीधा रोड जाना पड़ेगा हम लोग को। तो भाई अभी हम लोग इसको तो फॉर्च्यूनर तो चला ही रहे हैं, हम लोग साथ में स्कॉर्पियो भी चलाएंगे और दोनों का कंपेरिजन बताएंगे मेरे को ऑनेस्टली ज़्यादा कौन सा बेटर लगा वो। और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को ज़्यादा बेटर कौन सा लगा। मेरे को तो भाई अभी मैं बताऊंगा इसको थोड़ा देर चलाने के बाद, लेकिन भाई लुक वाइज अभी तक तो मेरे को स्कॉर्पियो ज़्यादा बेटर लग रहा है। आप लोग को कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अभी चलते हैं हम लोग पहले हाईवे ढूंढते हैं, इधर से तो रोड हम शायद हमको लगता है भटक गए हैं। तो मैप्स में हम लोग देख लेते हैं कि किधर है हम लोग का हाईवे। हम लोग का इस तरफ होगा हाईवे यहाँ पे, तो हम लोग ये रोड पकड़ के हम लोग चलते हैं हाईवे। और भाई मतलब फॉर्च्यूनर जैसे कि है ना, लुक वैसे ही है जैसे एक फॉर्च्यूनर का होता है। ठुक गया गाड़ी, भाई गाड़ी ठुक गया। असल में गाड़ी मेरा डैमेज नहीं लगा, क्योंकि मैंने ना उसको ऑन करा रखा है, ज़ीरो डैमेज इसमें गेम में, तो मेरा गाड़ी डैमेज नहीं होगा कितना भी ठुक जाए। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि भाई कैसा लुक है इसका। अभी यहाँ टाउन में तो भाई बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे ये दूसरा गाड़ी खड़ा है अभी इसके बगल में, हम लोग खड़े करके ना इसको देखते हैं साइज़। तो भाई साइज़ तो सही है, साइज़ मेरे को तो फिर भी सही लग रहा है, क्योंकि फॉर्च्यूनर भाई है साइज़ में गाड़ी बड़ा है। शुरू में मेरे को थोड़ा छोटा लग रहा था, क्योंकि यहाँ जैसे कार्स से कंपेयर करते हैं ना, तो कार्स के कंपैरिजन में ना छोटा लग रहा है। लेकिन स्कॉर्पियो जो है वो जेन्युइन साइज़ का है, मतलब जितना साइज़ का स्कॉर्पियो रियलिटी में है ना, उसी साइज़ से रिलेवेंट बनाया गया है गेम में भी, ताकि गेम में भी एक नॉर्मल साइज़ का लगे जितना होना चाहिए। बाकी अभी दोनों का हम लोग आमने सामने भी खड़े करके देखेंगे कि भाई दोनों में से कौन सा साइज़। असल में स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर दोनों को अगर आमने सामने हम लोग रख लेना सामने, तब हम लोग को एग्जैक्ट मालूम चलेगा कि भाई साइज़ सही है कि नहीं है। तो अभी एक मिनट गेम को पॉज कर लेते हैं। तो भाई हम लोग अभी वापस आ गए हैं, गेम को थोड़ा सा पॉज किए थे, और अभी हम लोग चलते हैं और हाईवे में टेस्ट करते हैं गाड़ी को कि भाई गाड़ी का लुक कैसा आता है हाईवे में। यहाँ तो बहुत पॉपुलेटेड एरिया है, हम लोग शायद डायरेक्ट किसी रोड से जा सकते थे,
लेकिन रोड हम लोग थोड़ा सा डाइवर्ज हो गए हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अभी हम लोग हाईवे मिल ही जाएगा, हम लोग को हाईवे हम लोग को मिल ही जाएगा अभी। तो अभी चलते हैं हाईवे में। अब भाई गेम में तो वैसे भी पहले से मतलब बहुत तरह का गाड़ी है, अच्छा होता है ना। इंडियन जो हम लोग इंडिया में जो देखते हैं गाड़ी हम लोग अपने सामने, वो गाड़ी को गेम में देखना और गेम में ड्राइव करना एक अलग ही मज़ेदार बात है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग चलते हैं। मेरे को लगता है सबसे अच्छा बेटर जगह होगा आर्मी बेस कैंप जो है गेम में। तो भाई ऐसे हाईवे में तो अच्छा परफॉर्मेंस है। अभी हम लोग फ्रीवे पकड़ चुके हैं और अच्छा चल रहा है फ्रीवे में। तो चलते हैं अभी हम लोग। स्पीड इसका भाई ठीक है, मतलब बढ़िया है, स्पीड भी ठीक है। अभी भाई हम लोग कोई मतलब पीसफुल जगह रुकेंगे, कोई अलग सा जगह जहाँ पे हम लोग दोनों गाड़ी को एक दूसरे के आमने सामने रख के कंपेयर कर पाएँ साइज़ का, कि दोनों भाई कितना है रिलेवेंट साइज़ इन लोग का। तो हम मेरे को लगता है यहाँ से ना आर्मी बेस कैंप, यहाँ से राइट हम लोग को जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग राइट ले लेते हैं। एक बाइक वाला जा रहा है आगे आगे, तो इसको भाई इसको पीछे करो। भाई मतलब अच्छा है कंट्रोल, गाड़ी का सही कंट्रोल है। स्कॉर्पियो जो था वो बहुत ही स्किड कर रहा था, और भाई रियलिटी में भी स्कॉर्पियो में बहुत ज़्यादा बॉडी रोल है, ड्राइव करने में पता चलता है। तो अभी हम लोग दूसरा रास्ता, हम कहाँ पे यार, आर्मी कैंप हम लोग को जाने के लिए किधर जाना पड़ेगा, एक बार मैप देख लेते हैं। मैप तो ऐसे भी हिडन है, कोई बात नहीं, हम लोग अभी अंदाजे से चलते हैं। मेरे मेरे अंदाज से हम लोग को लेफ्ट जाना चाहिए। तो हम लोग लेफ्ट जा करके और देखते हैं कि आर्मी कैंप कहाँ पे है। वहाँ पे ही जगह पे हम लोग दोनों गाड़ी को आमने सामने रख के हम लोग कंपेयर कर लेंगे। चलते भाई, मेरे को लगा स्क्रीन पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, इसलिए मैं गाड़ी रोक लिया। मेरे को लगा कि शायद बीच में हम रिकॉर्डिंग बंद किया था, तो शायद बंद में ही नहीं ना चल रहा है, इसलिए एक बार ऑफ कर लिए थे। अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं। मेरे को लगता है हम लोग सही रास्ते जा रहे हैं, अभी तक तो मेरे को वही लग रहा है कि भाई सही रास्ता है, बस लौटना नहीं पड़े भाई इतना दूर आने के बाद, थोड़ा सा बचा के चलना होगा। वैसे गाड़ी मेरा डैमेज अभी लेगा नहीं क्योंकि नेटिव ट्रेनर ऑन है, और उसमें बस इसीलिए नेटिव ट्रेनर में हम मतलब 0 डैमेज ऑन रखे हैं, नहीं तो क्या होता है कि बहुत डैमेज हो जाता है अभी तक में। तो भाई हम लोग कहाँ जा रहे हैं, घाटी इतना दिख रहा है। ओ भाई बोट ले जा रहा है ये तो, ये तो भाई पतरातू वैली जैसा है पूरा। तो भाई हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, ये तो मतलब आउट एरिया ही है, आउटस्कर्ट्स ही है, यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं, ये जगह सही लग रहा है भाई। दोनों गाड़ी हम लोग यहीं लगा लेते हैं, ये तो हम लोग का फॉर्चूनर हो गया। तो भाई अब डिटेल में हम लोग देखते हैं फॉर्चूनर इधर लुक कैसा लग रहा है। भाई लुक तो बहुत अच्छा लग रहा है गाड़ी का, और आप लोग देख सकते हैं क्या सही लुक है। ऐसे में ध्यान से देखते हैं, वहाँ पुलिस का चेस चल रहा है। तो भाई आप लोग लुक तो देख ही सकते हैं फॉर्चूनर का, बहुत शानदार लुक आ रहा है। और अभी हम लोग सामने से स्कॉर्पियो को हम लोग ला कर देखते हैं। तो स्कॉर्पियो हम लोग स्पॉन करेंगे यहाँ से, यहाँ सेव्ड व्हीकल्स में, यहाँ हम लोग का है स्कॉर्पियो। तो भाई यहाँ हम लोग का स्कॉर्पियो भी आ गया, और अब हम लोग दोनों को देखते हैं। भाई स्कॉर्पियो का तो भाई बात ही अलग है, मतलब इसका जो ये है ना,
भाई ये रहा दोनों साइड बाय साइड कंपैरिजन। मेरे को अभी भी लग रहा है कि फॉर्च्यूनर जो है वो साइज़ में थोड़ा सा छोटा बनाया गया है गेम में। मतलब जो भी मॉड बनाया गया है ना, फॉर्च्यूनर का साइज़ थोड़ा और बड़ा होना चाहिए था। इतना छोटा साइज़ का तो नहीं है इस फॉर्च्यूनर मेरे अंदाज से, क्योंकि स्कॉर्पियो, भाई स्कॉर्पियो बड़ा दिख रहा है अभी फॉर्च्यूनर के सामने। और ऐसा नहीं कि पर्सपेक्टिव का बात है, अगर हम लोग यहाँ से भी देखते हैं तो स्कॉर्पियो ही ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। लेकिन कोई नहीं, गाड़ी ऐसे बनाया हुआ बहुत अच्छा है, तो हम लोग यहाँ फॉर्च्यूनर यहीं पे छोड़ देंगे और हम लोग यहीं से स्कॉर्पियो लेकर चलेंगे। और स्कॉर्पियो को भी हम लोग ड्राइव करके देखेंगे। वैसे पिछले व्लॉग में मैंने स्कॉर्पियो को ड्राइव किया था। अभी कलर हम लोग स्कॉर्पियो का चेंज कर लेते हैं। स्कॉर्पियो का कलर यहाँ से पेंट मेन्यू में जाके प्राइमरी मेटालिक, और भाई ये ग्रेफाइट हो गया, ये प्योर ब्लैक हो गया, और यहाँ पे हम लोग का अलग अलग कलर है। तो हम लोग यहाँ पे क्रीम कलर, क्रीम या फिर फ्रॉस्ट वाइट, अभी जो नया स्कॉर्पियो आया उसमें फ्रॉस्ट वाइट कलर है, मतलब थोड़ा ब्लूइश लगता है, प्योर वाइट लगता है एकदम, जो कि फ्रॉस्ट वाइट है। तो हम लोग चलते हैं अभी फ्रॉस्ट वाइट स्कॉर्पियो लेकर ही। और भाई स्कॉर्पियो तो बात ही अलग है स्कॉर्पियो का। तो अभी हम लोग का गाड़ी चल पड़ा है, और भाई ऐसा जगह पे स्कॉर्पियो भाई ड्राइव करने में जो मज़ा है ना, मतलब रियलिटी में भी मज़ा, अगर गेम में इतना मज़ा आ रहा है तो भाई रियलिटी में क्या ही बात होगा। और ये इंटीरियर से गाड़ी का लुक, एक्चुअली मैं अभी क्रेटा डाल रहा था, क्रेटा 2024 मॉडल जो कि नया वाला है, लेकिन वो किसी कारणवश लोड नहीं हुआ, शायद उसका मॉड में ही एरर था। तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग स्कॉर्पियो ड्राइव करते हैं और स्कॉर्पियो को देखते हैं भाई कि कैसा ये है। यहाँ पे भाई पेट्रोल पंप है, वहाँ से हम लोग, तो भाई यही था, मेरे को ना स्कॉर्पियो का लुक ज़्यादा बेटर लगा, बेटरस्ट लगा स्कॉर्पियो का जो मतलब वे ऑफ मॉड है ना, बहुत 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 प्यारा है, बहुत सही लग रहा है। और ये भाई ये साइज़ भी जेन्युइन बना हुआ है, मतलब जिस साइज़ का है गाड़ी रियलिटी में उसी साइज़ में बना हुआ है। तो हम लोग ट्रैफिक यहाँ से हटाएंगे। तो ट्रैफिक हटाने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा वर्ल्ड में, वर्ल्ड में यहाँ पे हम लोग का नो ट्रैफिक। अब हम लोग का भाई शांत हो गया माहौल, पूरा पूरा माहौल शांत। और अब हम लोग गाड़ी को ड्राइव करके देखेंगे, ये बिल्कुल लॉकडाउन जैसा सीन लग रहा है, मतलब जिस समय लॉकडाउन था ऐसे ही रोड खाली हुआ करता था भाई, बहुत बहुत तेज था वो। वो रहा आर्मी बेस कैंप, हम लोग चलते हैं अभी आर्मी बेस कैंप में। और भाई विदाउट ट्रैफिक घूमने का अलग ही मज़ा है, कोई नहीं है शहर में, पूरा शहर खाली है, कोई भी ट्रैफिक नहीं है, टाउन पूरा खाली है। हम लोग को गेट तोड़ के घुसना पड़ेगा क्योंकि कोई गेट खोलने वाला है नहीं यहाँ। नो ट्रैफिक है, पता नहीं पेडेस्ट्रियंस भी है कि नहीं या आर्मी वाले भी हैं कि नहीं। हम लोग अभी देखते हैं, और हम लोग ऐसा करते हैं कि एक मिशन हम लोग कर लेते हैं स्कॉर्पियो लेकर ही। भाई मेरे को लगता है आर्मी वाले भी नहीं, क्योंकि वो लोग यहाँ खड़े रहते थे, नो ट्रैफिक में सब लोग गायब हो गए। तो अभी ऐसा करते हैं, हम लोग स्कॉर्पियो का पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं, कलर हम लोग ब्लैक रखेंगे ताकि हम लोग का थोड़ा ये यहाँ से। और भाई आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा कलर का स्कॉर्पियो पसंद आता है। तो हम लोग यहाँ ब्लैक में आ गए हैं, एक और ब्लैक है कार्बन ब्लैक, वो और भी ज़्यादा प्योर ब्लैक में है। यहाँ हम लोग का कार्बन ब्लैक, तो भाई ये है प्योर ब्लैक है। और अब हम लोग चलते हैं मिशन के लिए,
तो मिशन हम लोग को मिलेगा अभी यहाँ पे। तो अब हम लोग चलते हैं। तो भाई ये अभी जो ट्रैवलिंग है ये मैं टाइम लैप्स में दिखा दूंगा आप लोग को, क्योंकि थोड़ा लंबा रास्ता है। एक आर्मी वाला स्पॉट कर लिया हम लोग को, लेकिन नहीं कुछ नहीं बोला वो। तो हम लोग चलते हैं अभी, ये जो ब्लू ब्लू रोड दिखा रहा है ना मैप्स में, हम लोग उसी के थ्रू चलेंगे। तो भाई यहाँ आप लोग देख सकते हैं कितना सही लग रहा है, रास्ता पूरा खाली है भाई, एक भी पब्लिक नहीं, एक भी ट्रैफिक नहीं है रोड में। हम लोग ऐसे शहर में जाएंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि भाई पब्लिक भी नहीं है या बस ट्रैफिक नहीं है। और भाई ये जो स्कॉर्पियो है ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला है, जो स्कॉर्पियो का जो न्यू मॉडल था बिल्कुल अभी जो आया हुआ है वो है। तो अभी चलते हैं भाई। और भाई लोकेशन तो बहुत प्यारा लग रहा है, बिल्कुल पतरातू वैली वाला एरिया जैसा। झारखंड में भी भाई रांची में हम लोग के बहुत बहुत सुंदर सुंदर जगह है, बहुत ज़्यादा। मतलब रांची से कहीं भी आप 30 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन पर निकल जाइए आप लोग को ट्रेल मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं हम लोग। यही रन एक गया भाई, इतना अटेंशन टू डिटेल दिया गया है ना गेम में, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मतलब गेम बनाने वाले लोगों का भी भाई तारीफ करना पड़ेगा इतना शानदार गेम बनाने के लिए। भाई यहाँ थोड़ा सा ढलान एरिया है। भाई पेडेस्ट्रियंस तो है, बस गाड़ी नहीं है, ट्रैफिक नहीं है बस। तो भाई हम लोग पहुंच गए और स्कॉर्पियो को यहीं पार्क कर देते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या मिशन मिलता है। तो भाई अब फ्रैंकलिन को एक काम मिल रहा है, एक जॉब मिल रहा है। मेरे को लगता है कोई गाड़ी थेफ्ट का ही ये लोग काम दे रहा होगा, क्योंकि शुरू से यही काम मिलते आया है। गो टू द हाउस है भाई, कोई घर, और लगता है कोई तगड़ा मिशन है। अभी चलते हैं भाई वो हाउस हम लोग। और भाई स्कॉर्पियो का आप लोग लुक देख सकते हैं कितना शानदार है, गाड़ी भाई बहुत शानदार बनाया गया है स्कॉर्पियो। तो भाई अभी हम लोग पहुंच गए हैं ये घर, और यहीं से हम लोग को ये गाड़ी थेफ्ट करना है। तो हम लोग को भाई जाना होगा अंदर, यहाँ से चलते हैं भाई गेट से, गेट को फांद के। भाई हम लोग को चुपके से जाना होगा, गार्डनर को पता नहीं चलना चाहिए वरना वो अलर्ट कर देगा घर के ओनर को कि कोई घुस आया है। तो हम लोग भाई बहुत ध्यान इसको बेहोश कर देंगे। गार्डनर जो है वो बेहोश हो चुका है। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर। तो भाई कौन सा गाड़ी है इस गैरेज के अंदर है, जो भी है, और यही हम लोग को थेफ्ट करके हम लोग को लेके जाना है। तो यहाँ से भाई चलते हैं अंदर हम लोग, इसको खोल के। गार्डन लॉक है भाई गैरेज,
तो हम लोग को कहीं और से जाना होगा, दूसरा रास्ता ढूंढ के। यहाँ भी बंद है भाई, यहाँ से नहीं जा पाएंगे, बंद है। मेरे को पता था बंद होगा, क्योंकि भाई घर है वैसे भी लॉक्ड होगा। कहीं ना कहीं हम लोग को चुपके चुपके जाना होगा। भाई अंदर, यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे और कोई देख ना ले। छुप जा भाई, अवॉइड अलर्टिंग द रेसिडेंट्स। हम लोग को गाड़ी रिट्रीव करना होगा भाई कैसे भी। भाई वो देख लेगी भाई तो अलर्ट कर देगी घर में। हम लोग को चुपके से जाना होगा और गाड़ी जो है वो इधर है भाई। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, उन लोग के नज़र से भी बचना होगा। भाई ये रहा गाड़ी, यही गाड़ी हम लोग को लेके जाना है डीलरशिप। भाई गाड़ी हम लोग को मिल गया है और गाड़ी हम लोग लेकर चलते हैं उसी डीलर के पास। तो भाई फाइनली सक्सेसफुल होता दिख रहा है, बस अब डीलर को ये गाड़ी दे देना है। तो भाई गाड़ी हम लोग अभी डीलर को दे देंगे और उसके बाद फिर हम लोग का। ओ भाई गाड़ी का भाई ओनर जो है वो गाड़ी पे ही छुपा हुआ था भाई, और ये कोई और नहीं, ये फ्रैंकलिन है, ये माइकल है। माइकल भाई, माइकल था और माइकल छुपा हुआ था गाड़ी के अंदर, और वो घर भी माइकल का था। माइकल जो कि गेम के इंट्रो में था, आप लोग को मैंने दिखाया नहीं है, वो इंट्रो सीन में रहता है। तो भाई अभी हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। तो भाई अभी हम लोग को टास्क मिला है, मतलब माइकल बोल रहा है फ्रैंकलिन को कि जाकर सीधा वो शोरूम के अंदर उड़ा दो गाड़ी को। तो भाई भाई शोरूम में आ गया गाड़ी, भाई माइकल साथ में आ गया है। भाई माइकल अब संभालेगा सीन को और अब हम लोग ऐसे माइकल गेम को खेलेंगे। बीट अप साइमन, हम लोग को साइमन इसको भाई मार मार के मार मार के। R to counter while dogging. Huh? Does it look like it's worth $5,000 a month to you? You fucking racist. तो भाई अभी गेम हम लोग का यहाँ तक पहुँच गया है। अब पता नहीं क्या करना है हम लोग को। अब हम लोग को ऐसा माइकल खेलना है गेम। तो भाई अब गेम को आगे से माइकल देखेगा। तो हम लोग भाई गेम को आज यहीं एंड करते हैं और हम लोग मिलते हैं आप लोग से कल नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिशन को आगे बढ़ाएंगे और आगे आप लोग को दिखाएंगे कि भाई गेम कैसे कैरी ऑन होता है।
तो हम लोग गेम को आज यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोग से कल नए वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लग रहा है ये सीरीज़। तो वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोग से कल नए वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।